राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी 25 व 26 दो दिन मनाई जाएगी। 25 सितंबर सोमवार को सुबह 7:55 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी व 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 समाप्त होगी। ऐसे में 25 सितंबर को गृहस्थी व्रत रखेंगे व 26 सितंबर को वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी व जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करते हैं और पूजा करते समय पीले रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं, उसके घर से धन की तंगी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति दही में चीनी मिलाकर इस दिन दान करता है, लक्ष्मी की अपार कृपा उस पर हमेशा बरसती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करता है वह प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाता है, उसके घर में धन दौलत में बरकत होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, व्यापार में तरक्की होती है। पूजा विधि, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य फल व पुष्प इत्यादि से पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। व्रत रखने वाले एक समय फलाहार करें। सारा दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। प्रदोष काल में भगवान विष्णु व तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। आइए अब सुनते हैं इसका महात्म्य व पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त दानी सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सह न सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता सो मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन,
मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और 2 पग में ही पूरी भूमि को नाप लिया। मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, राजन, अब मैं 3रा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया, उस पर मैंने 3रा पैर रख दिया। वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी 1 प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और 1 क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आप भी हो सके तो व्रत करें, व्रत नहीं कर सकते तो इसकी कथा व महात्म्य को ही सुन लें। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।